वन रेलवे वन हेल्पलाइन नंबर। हेलो फ्रेंड्स, आज से कुछ दिन पहले ही इंडियन रेलवे ने एक न्यू अनाउंसमेंट किया है जिसमें उन्होंने एक स्कीम एक योजना टाइप चलाई है जिसका नाम है वन रेलवे वन हेल्पलाइन नंबर। तो क्या है ये हेल्पलाइन नंबर और ये किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, आइए आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। चलिए देखते हैं। इस नई स्कीम को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइंड थोड़ा सा कुछ वर्ष पहले चले जाते हैं जिसमें हम लोग को अलग अलग मतलब जानकारी के लिए, जैसे अगर शिकायत दर्ज कराना हो उसके लिए रेलवे की एक अलग नंबर थी, अगर हमें किसी बात का पूछताछ करना है तो इसके लिए अलग नंबर थी, अगर हमें गुड्स या अपने किसी पार्सल की जानकारी प्राप्त करना है तो इसके लिए अलग नंबर थी। इन सभी नंबरों को पिछले साल जब कोरोना की वजह से ट्रेन बंद हुई थी, मतलब पैसेंजर ट्रेन बंद हुई थी, तब इस सभी नंबर को है ये बंद कर दिया गया था। केवल 138 एंड 182 ये दो नंबर ही चालू थे। बट आने वाले अप्रैल मंथ में, जी हाँ अप्रैल का मंथ आने वाला है, 1 अप्रैल से ये नंबर भी बंद हो जाएंगे। रेलवे के जितने भी हेल्पलाइन के नंबर थे सभी हेल्पलाइन नंबर को मर्ज करके 139 नंबर ये क्रिएट किया गया है जिसके अंतर्गत आप सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, इसमें रेल से संबंधित जितने भी इंक्वायरीज होते हैं, जैसे पूछताछ हो गया, शिकायत हो गया, या फिर गुड्स एंड सर्विस के लिए आपको जानकारी हो गई, या PNR स्टेटस जानना हो, या ट्रेन की टाइमिंग या फेयर या कुछ भी, मतलब जितने भी प्रश्न आपके मन में आते हैं, केवल इसके लिए सिर्फ आप अपने किसी भी फ़ोन से 139 डायल करें और अपने सारे सवालों का समाधान प्राप्त कर लें। चलिए अब देखते हैं, ये सुविधा तो आ गई है लेकिन ये स्टार्ट कब से होगी। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, जितने भी रेलवे के हेल्पलाइन नंबर है वो 1 अप्रैल से बंद कर दिए जाएंगे और 1 अप्रैल 2021 से ही ये नई वाली सुविधा जो है स्टार्ट होगी। इस नई सुविधा में यात्री को IVRS की सुविधा मिलेगी, इसमें चयन किया जाएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरैक्टिंग वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। अब ये क्या होता है इसको मैं एकदम ईजी वे में बताती हूँ आप लोग को। जैसे कि नॉर्मली हम लोग किसी भी कॉल सेंटर में कॉल करते हैं तो जो आता है कि पहले हम लोग कॉल करते हैं तो वहाँ से रिस्पॉन्स आता है ना कि आप हिंदी में अपने भाषा में जाने के लिए 1 दबाएँ, या फिर हिंदी के लिए 1 दबाएँ, इंग्लिश के लिए 2 दबाएँ, गुजराती के लिए जो भी वॉट एवर, तो वो जो ऑप्शन होता है इसी को कहते हैं IVRS यानी इंटरेक्टिंग वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। इसका चयन करके हम लोग डायरेक्ट रेलवे कॉल सेंटर के एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं और इस सुविधा में आपको 12 भाषाओं की सुविधा उपलब्ध होगी। इसमें आप 12 भाषाओं में, मतलब जो भी आपका लैंग्वेज है उसका चयन करके आराम से अपने सवालों का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कॉल के दौरान, मान लीजिए आपने 139 में कॉल कर दिया, कॉल के दौरान किस नंबर को प्रेस करने से आप किस प्रकार की सुविधा के भागीदारी होते हैं इसको देखते हैं। ठीक है, जब आप इस नंबर पे कॉल करते हैं सबसे पहले तो आपको लैंग्वेज पूछा जाएगा कि आप लैंग्वेज क्या करना चाहते हैं, उसके बाद आपका PNR नंबर पूछा जाएगा, या फिर नॉर्मली आगे देखते हैं सुरक्षा एवं मेडिकल सहायता के लिए आपको 1 डायल करना होगा। ठीक है, किसी भी प्रकार की आपको सुरक्षा चाहिए या मेडिकल सहायता चाहिए, या आप यातायात के दौरान इंजर्ड हो गए हैं या किसी की सहायता करना चाहते हैं, उसके लिए आप इस नंबर पर कॉल करके आगे जैसे भी आपको ऑप्शन आए उसमें आप 1 डायल कर दीजिए तो आपके पास सुरक्षा और मेडिकल सहायता पहुँच जाएगी। ठीक है, पूछताछ के लिए 2 डायल करना पड़ेगा। ठीक है, पूछताछ किस प्रकार की, तो PNR स्टेटस, ट्रेन टाइमिंग, फेयर यानी ट्रेन का टिकट का किराया, टिकट बुकिंग या कैंसिल, इसके लिए आपको 2 डायल करना पड़ेगा। कैटरिंग कंप्लेन के लिए 3 डायल करना पड़ेगा। शिकायत के लिए 4 डायल करना पड़ेगा। जनरल शिकायत माने नॉर्मली किसी प्रकार की शिकायत करना है तो उसके लिए 4 डायल करना होगा। विजिलेंस यानी सतर्कता या जागरूकता के लिए आपको 5 डायल करना पड़ेगा। गुड्स एंड पार्सल एंड गुड्स से जुड़ी जानकारी के लिए आपको 6 डायल करना होगा। आगे देखते हैं IRCTC की जानकारी के लिए आपको 7 डायल करना होगा और शिकायत का स्टेटस जानने के लिए आपको 9 डायल करना पड़ेगा कि आपका जो शिकायत है वो उसमें कितना आगे तक इम्प्रूवमेंट हुआ है, कितना प्रोसेस हुआ है, इसकी जानकारी के लिए आपको 9 डायल करना होगा और सीधे कॉल सेंटर के एग्जीक्यूटिव से बात करने के लिए आपको 7 डायल करना पड़ेगा। तो ये तो रहा रेलवे की ये जो नई सुविधा आई है हेल्पलाइन नंबर 139। ठीक है,
तो फ्रेंड्स ये रेलवे का बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि इससे पहले रेलवे की जितनी भी सुविधाएं थी सबके लिए अलग अलग नंबर डायल करना याद रखना पड़ता था, या कितने लोगों को तो पता भी नहीं रहता था। लेकिन अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी है, या आप थोड़े बहुत मतलब अगर कोई व्यक्ति अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है या उसको नॉर्मली फ़ोन चलाने भी आता है, तो आप आराम से इस रेलवे की नई सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और इसके लिए आपको किसी भी स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, आपके पास जो भी नंबर है, जो भी फ़ोन है, किसी भी प्रकार का साधारण फ़ोन है, तो आप उससे ही इसका लाभ मतलब इस नंबर पर कॉल करके अपने सारे सवालों का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। और तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।